हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आगे हम लोग वो देखने जा रहे हैं जिसे आप लोगों ने थंबनेल पर देखा। हाँ तो दोस्तों, DAR के भाग वन हम लोग देखने जा रहे हैं, पहली भाग। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि अनुशासन एवं अपील नियम कब लागू हुआ। दोस्तों, ऑप्शन में 1966, 1968, 1989 और 1905 है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1968 को, क्योंकि जो अनुशासन एवं अपील नियम था वो 1 अक्टूबर 1968 को पारित हुआ था। अच्छा, ऑप्शन नंबर का यदि देखें हम लोग 1966, तो 1966 में रेल सेवक आचरण जो है 1966 में लागू हुआ था। परंतु DAR जो है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, ये जो है 1 अक्टूबर 1968 को लागू हुआ था। और गा नंबर ऑप्शन है 1989 में रेल अधिनियम 1989 में लागू हुआ था। और घा नंबर ऑप्शन है 1905, जबकि रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर 1968 को अनुशासन एवं अपील नियम, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स लागू हुआ था, DAR। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि अनुशासन एवं अपील नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता। अब देखिए, ऑप्शन है का नंबर, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया अनुशासन एवं अपील नियम किस पर लागू नहीं होता। का नंबर ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, खा नंबर आकस्मिक श्रमिक यानी कैजुअल लेबर, गा नंबर रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य यानी RPSF, और घा नंबर उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि अनुशासन एवं अपील नियम जो है DAR, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, ये अखिल भारतीय सेवा के सदस्य उनको कहते हैं जो महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के होते हैं। आकस्मिक श्रमिक जो कैजुअल लेबर, जो कैजुअल से काम कर रहे हैं, और RPF के कोई भी सदस्य, इन पर जो है DAR लागू नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। ठीक, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य कौन है? जो महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के पद हैं, और यानी GM और उनसे ऊपर के पद, और आकस्मिक श्रमिक जो कैजुअल से लेबर काम कर रहे हैं, और RPF, इन पे DAR के रूल जो है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, कार्य नहीं करती, इन पे लागू नहीं होती है। तो घा नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि अनुशासनिक अधिकारी, जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही में जांच करने के लिए नामित करे, उसे क्या कहते हैं। देखिए, अनुशासनिक अधिकारी, जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही में जांच करने के लिए कहे, का नंबर ऑप्शन है नियुक्ति प्राधिकारी, खा नंबर जांच अधिकारी, गा नंबर अनुशासनिक अधिकारी, और घा नंबर सहायक अधिकारी। तो दोस्तों, उसको जाँच अधिकारी कहते हैं, क्योंकि उस अधिकारी को ये जाँच करने के लिए जो है नामित किया गया है। तो जाँच करने के लिए नामित किया गया है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जांच अधिकारी बोलते हैं। दोस्तों, नियुक्ति अधिकारी कौन होता है, जरा इसके बारे में जान ले कि नियुक्ति अधिकारी कौन है। तो वह प्राधिकारी जिसे किसी कर्मचारी को उसकी सेवा या पद पर नियुक्ति करने का अधिकार है, उसे नियुक्ति अधिकारी कहते हैं। वह प्राधिकारी जिसे किसी कर्मचारी को उसकी सेवा पर या नियुक्ति पर, उनके पद पर जिस सेवा पे वो नियुक्त हो रहे हैं, उन पे नियुक्ति करने का अधिकार है, उसे नियुक्ति अधिकारी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, यदि ऑप्शन गहराई से जा रहा है कि मान लीजिए कि उसको बीच में एक अस्थाई कार्य के लिए दूसरे जगह नियुक्त किया गया है, फिर वो उसी में आ गया है, तो दोनों बार अलग अलग नियुक्ति अधिकारी हुए, परंतु जो सबसे सीनियर होगा उसी को नियुक्ति प्राधिकारी माना जाएगा। ठीक, तो वो नियुक्ति अधिकारी की परिभाषा है। और जांच अधिकारी जो है, अनुशासनिक अधिकारी, जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच करने के लिए नामित करे, उसे जाँच अधिकारी कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो और सहायक अधिकारी तो ऐसे होता है, वो कुछ कार्य में नहीं, इसमें नहीं संलग्न है। तो जांच अधिकारी इसका सही आंसर है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर चार। चौथा प्रश्न है कि SF-11 में SF का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, यदि ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो SF, एस से स्टैंडर्ड, एफ से फॉर्म, दूसरा ऑप्शन देखते हैं स्पेशल फॉर्म, तीसरा ऑप्शन सजाए फॉर्म, घा नंबर ऑप्शन है सर्टिस्फाइड फॉर्म। लेकिन दोस्तों, SF का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका हिंदी में मानक फॉर्म बोलते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड मतलब मानक, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक फॉर्म बोलते हैं। ये जो है मानक फॉर्म बनाया गया है कि किसके लिए कौन सा मानक फॉर्म है। जैसे SF-1 का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म 1, जो कि निलंबन के लिए लागू होता है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, नियम जो है DAR का अलग चीज़ है, नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4, नियम 5, और SF-1 यानी फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो अलग चीज़ है। SF-1 निलंबन के लिए होता है।
निलंबन SF2 माना गया निलंबन, माना गया निलंबन, ठीक ना। जैसे SF3 है निर्वाह भत्ते की स्वीकृति के लिए SF3, ठीक, वो जो है जो कर्मचारी निलंबित होता है वो SF3 पर निर्वाह भत्ते की मांग करता है। SF4 निलंबन से फिर बहाली करने के लिए SF4, ठीक। SF5 जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जो मेजर चार्जशीट है, ठीक, जो दीर्घ दंड के अंदर आता है, ठीक ना, तो वो SF5 बड़ी शास्ती के आरोप पत्र होता है। SF6 जो है दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने का आदेश होता है। SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति कराता है। SF7 वह फार्म है जो स्टैंडर्ड फार्म 7 जो जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है। SF8 जो हो गया स्टैंडर्ड फार्म 8, ठीक, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करता है। SF10 जो हो गया, यानी SF9 को हटा दिया गया है, अभी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन SF10 स्टैंडर्ड फार्म 10 जो है संयुक्त कार्यवाही का आदेश देता है। अच्छा, वही SF10A हो तो संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है और SF10B हो तो संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करता है। ध्यान रखें दोस्तों, SF11 छोटी शास्ति हेतु आरोप पत्र यानी माइनर चार्जशीट जो होता है माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 जो छोटी शास्ति हेतु आरोप पत्र होता है। अच्छा, 11 में 3 खंड है, 11A, 11B, 11C। जैसे 11A छोटी शास्ति पे बड़ी शास्ति की कार्यवाही की जाती है तब लगती है, ठीक। प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होता है? भारत के सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होता है? ऑप्शन का नंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश, खा नंबर महान्यायवादी, गा नंबर भारत के राष्ट्रपति, अघा नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है, ठीक। नियम 7 कहता है अनुशासनिक प्राधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी हैं, अतः वे रेलवे कर्मचारी को नियम 6 की कोई भी सजा दे सकते हैं। ये नियम 7 में वर्णित है, ठीक, अतः इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अनुशासनिक प्राधिकारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की व्याख्या किस नियम में की गई है? दोस्तों, अभी आप लोगों ने दिया था है कि नियम नंबर 7 इसका सही आंसर है। नियम नंबर 7 में अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में बताया गया है। नियम नंबर 7 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी हैं, अतः वे रेलवे कर्मचारी को नियम 6 की कोई भी सजा दे सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में किस में बताया गया है? नियम 7 में। खा नंबर ऑप्शन है नियम 8। नियम 8 क्या करता है? नियम 8 अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बताता है। नियम 8 क्या बताता है? अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? और नियम 9 क्या बताता है? दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया है। नियम 9 क्या है? दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया है। और नियम 10 क्या है? जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही है। नियम 10 क्या है? जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है दोस्तों, अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को कौन सा नियम बतलाता है? तो आप लोगों ने अभी देखे नियम नंबर 8 के बारे में कि आठवां जो है 8 नंबर ये बताता है कि अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, ठीक। चारों ऑप्शन को देखें तो नियम नंबर 7 अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में बता रहा था कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी हैं, और नियम 8 अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ये बताता है। तो क्वेश्चन यही है कि अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। और नियम 9 दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया बताता है। नियम 9 क्या बताता है? दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया। और नियम 10 जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही के बारे में बताता है। तो चलिए, इसका सही आंसर था नियम 8। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आठ है कि दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया आप जानते हैं, नियम नंबर 9 में दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया दी गई है, लेकिन चारों ऑप्शन देखें तो चारों ऑप्शन है दोस्तों, का नंबर ऑप्शन है नियम 7। नियम 7 क्या है? अनुशासनिक प्राधिकारी है कि कौन होते हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी होते हैं। नियम 8 क्या है? नियम 8 है अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम अधिकारी के बारे में, ठीक।
यानी कि सात था अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में और आठ क्या है सक्षम प्राधिकारी के बारे में, अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, और नौ क्या है दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया बताता है, दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया, लेकिन दस नंबर जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही है। तो चूंकि क्वेश्चन में था दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया प्रारंभ करना, इसलिए सही आंसर है नियम नंबर नौ, नियम नौ इसका सही आंसर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर नौ पे देखें, नियम दस क्या है कह रहा है, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर नौ है कि नियम दस क्या है। तो देखिए दसवां नियम के बारे में गौर से देखिए, नियम दस क्या है, नियम दस जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही होता है, क्या होता है जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही, क्योंकि का नंबर ऑप्शन है अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, तो ये नियम आठ होता है, खा नंबर है दीर्घ दंडारोपण की जांच प्रक्रिया, ये नियम नौ बतलाता है, गा नंबर है अनुशासनिक प्राधिकारी, तो ये नियम सात बताता है, और जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही जो है नियम दस बताता है, नियम दस क्या बताता है जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही, तो नियम दस का सही आंसर होगा खा नंबर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर 10 है जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु कौन सा मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF-7 का प्रयोग होता है, SF का मतलब आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म समझा ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए नियम अलग चीज़ है, फिर भी हम बता रहे हैं कि नियम एक का मतलब SF-1 नहीं है, ठीक, क्योंकि नियमों की संख्या ज़्यादा है स्टैंडर्ड फॉर्म कम है, ये अलग चीज़ है। तो देखिए SF-5 SF-6 SF-7 SF-8 के बारे में जानिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जो है SF-5 ये बड़ी शास्ति के आरोप पत्र है, मेजर पेनाल्टी मेजर चार्जशीट, तो दीर्घ दंड के लिए दिया जाता है SF-5, ठीक, SF-5 क्या है बड़ी शास्ति का आरोप पत्र है, मेजर पेनाल्टी का मेजर चार्जशीट का, और खा नंबर है SF-6 SF-6 क्या है दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने का आदेश, गा नंबर है SF-7 SF-7 जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है, जांच अधिकारी के नियुक्ति करने के लिए SF-7 जारी किया जाता है। SF-8 क्या है तो SF-8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, देखिए SF-7 जो है जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF-8 जो है प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, ठीक। पहले तो आपने देखा कि SF-5 बड़ी सस्ती के आरोप पत्र है मेजर पेनाल्टी का दीर्घ चार्ज दीर्घ दंडारोपण है, तो और SF-6 जो है दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने का आदेश है, SF-7 जो है जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है, SF-8 जो है प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करता है। चूंकि यहाँ क्वेश्चन जो था जांच अधिकारी की नियुक्ति का था, इसलिए इसका सही आंसर SF-7 हुआ। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बड़ी शास्ति के आरोप पत्र में किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि बड़ी शास्ति के आरोप पत्र के लिए SF-5 का प्रयोग किया जाता है, बड़ी शास्ति मेजर पेनाल्टी मेजर चार्जशीट में बड़ी शास्ति के आरोप पत्र लगाने के लिए SF-5 का प्रयोग, ठीक। अच्छा SF-6 क्या था, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने का आदेश, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने का आदेश। SF-7 क्या था, जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF-7 क्या था जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF-8 क्या है प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, SF-7 जांच अधिकारी की और SF-8 प्रस्तुति अधिकारी की। देखिए दोस्तों बार बार बोलने का मतलब हमारा यही है कि आपको याद हो जाए, SF-7 और SF-8 में यही अंतर है कि SF-7 जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए होता है और SF-8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 12वां प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए SF-8 का प्रयोग होता था, किसका, SF-8 सही आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्म 8, क्योंकि चारों ऑप्शन को फिर से देखिए ताकि आपको याद ही हो जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जो है SF-5 ये बड़ी सस्ती का आरोप पत्र है मेजर चार्जशीट,
ठीक मेजर पेनाल्टी के लिए दिया जाता है। अच्छा, SF-6 जो है दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने का आदेश है। SF-7-8 में यही अंतर है कि SF-7 जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है और SF-8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो प्रस्तुति अधिकारी का क्वेश्चन है, इसलिए SF-8 सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर क्या है दोस्तों, कि संयुक्त कार्यवाही का आदेश किस मानक फर्म का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, संयुक्त कार्यवाही का आदेश जब होता है तो SF-10 का प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड फर्म 10 का, ये सही आंसर है। क्योंकि SF-11 का मतलब क्या है, छोटी शास्ति का आरोप पत्र। SF-11 में छोटी शास्ति, माइनर पेनाल्टी के लिए, छोटी शास्ति के लिए, माइनर चार्जशीट के लिए SF-11 का प्रयोग होता है दोस्तों। लेकिन SF-10 कब होता है, जब संयुक्त कार्यवाही का आदेश हो। SF-10 कब होता है, जब संयुक्त कार्यवाही का आदेश हो। लेकिन वही देखिए, SF-1 निलंबन के लिए जारी किया जाता है। SF-1 कब होता है, निलंबन के लिए। SF-1 स्टैंडर्ड फॉर्म 1 निलंबन के लिए है। और SF-11A, तो SF-11A को देखिए, छोटी शास्ति पे बड़ी शास्ति की कार्यवाही हेतु SF-11A का उपयोग होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 11A कब हो जाता है, तो SF-11 में तो छोटी शास्ति के आरोप पत्र है, लेकिन SF-11A हो गया तो छोटी शास्ति पे बड़ी शास्ति की कार्यवाही होती है। अच्छा, चलिए, यहाँ संयुक्त कार्यवाही का आदेश के बाद था, इसलिए SF-10 इसका सही आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्म 10। आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14वां प्रश्न है दोस्तों, कि छोटी शास्ति हेतु आरोप पत्र किस मानक फर्म, यहां फर्म होना चाहिए, फर्म इस मानक फर्म, यहां फर्म। तो छोटी शास्ति हेतु आरोप पत्र के लिए किस मानक फर्म का उपयोग किया जाता है। तो छोटी शास्ति हेतु SF-11 होता है ना, माइनर चार्जशीट, SF-11 का प्रयोग होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 11। क्योंकि चारों ऑप्शन देखिए, SF-11A क्या हो जाएगा, ए वही होगा कि छोटी शास्ति पर बड़ी कार्यवाही, छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्यवाही, तब SF-11A है। अब देखिए, SF-1 जो लिखा है गा नंबर में, 1 तो निलंबन है सीधा, सस्पेंड जो किया जाता है, सस्पेंड वही SF-1 है, निलंबन। और SF-11C क्या है, तो बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति की कार्यवाही, मेजर पेनाल्टी में ये छोटी, यानी बड़ी शास्ति में जब छोटी शास्ति की कार्यवाही होगी तो SF-11C होता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो था छोटी शास्ति हेतु आरोप पत्र, तो इसका सही आंसर है SF-11। अगला आ गए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, SF-11 के बचाव में कर्मचारी के जवाब से असंतुष्ट अधिकारी, यदि SF-11 के बचाव में कर्मचारी के जवाब से अधिकारी संतुष्ट जब नहीं होता है, असंतुष्ट अधिकारी, तो NIP जारी करता है। क्या जारी करता है दोस्तों, NIP। NIP का मतलब समझते हैं, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज। ठीक, तो नोटिस वो जारी करता है पेनाल्टी के इम्पोजिशन के लिए, नोटिस जारी करता है SF-11 के बचाव में जब कर्मचारी के जवाब से अधिकारी असंतुष्ट रहता है। ठीक, SF-11 के बचाव में कर्मचारी के जवाब से असंतुष्ट अधिकारी NIP जारी करता है, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी जारी करता है। उस पर कर्मचारी द्वारा अपील के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है। तो दोस्तों, जब भी अधिकारी SF-11 के जवाब से असंतुष्ट हो, वो NIP जारी कर दे, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज जारी कर दे, तो वो 45 दिन का समय रहता है अपील का। कितना होता है दोस्तों, 45 दिन अपील का समय होता है। 45 दिन के अंदर आप अपील करेंगे उससे उच्च अधिकारी के पास। ठीक, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां प्रश्न है दोस्तों, SF-5 के द्वारा जब कर्मचारी का आरोप पत्र दिया जाता है, तो कर्मचारी को इस पर अपना प्रतिवेदन देने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है।
तो देखिए ये ऐसे फाइव हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइव, बड़ी शास्ति का आरोप पत्र है। इसमें मात्र 10 दिन का समय दिया जाता है प्रतिवेदन देने के लिए। कितना? 10 दिन इसका सही आंसर है। ठीक, अगली प्रश्न, क्योंकि 45 दिन तो एसएफ 11 के लिए जब एनआईपी जारी किया जाता था तो एसएफ 11 के लिए समय दिया जाता था अपील का, यहाँ 10 दिन जो है प्रतिवेदन देने का है। एसएफ 5 द्वारा जब कर्मचारी को आरोप पत्र लगाया जाता है, यानी बड़ी शास्ति का आरोप पत्र, तो कर्मचारी को इस पर अपना प्रतिवेदन देने के लिए 10 दिन का समय होता है। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर प्रश्न है, डीएआर के किस नियम में नाम एवं प्रभावी होने की तिथि बताई गई है? डीएआर के किस नियम में नाम और प्रभावी होने की तिथि बताई गई है? तो देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए, नियम एक में क्या बताया गया है? नियम एक में नाम एवं प्रभावी होने की तिथि बताई गई है, और नियम दो में नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा बताई गई है कि नियुक्ति प्राधिकारी होता कौन है, जो आपको उस पद पर नियुक्त किया है, या जो उस पद पर नियुक्त करने की क्षमता रखता है, या फिर जो है जैसे दो नौकरी में हुए, एक बार बीच में कोई अन्य पोस्ट पर भेजा गया हो तो उसमें अलग प्राधिकारी नियुक्ति किया हो, तो दोनों में जो बड़ा होगा वो नियुक्ति प्राधिकारी कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से नियम दो में जो है परिभाषा नियुक्ति प्राधिकारी की दी गई है, नियम तीन में विस्तार क्षेत्र बताया गया है, नियम चार व पांच निलंबन से संबंधित है, चाहे वो तत्कालिक प्रभाव से निलंबित हो चाहे भूतकालिक प्रभाव से निलंबन, यानी निलंबन से संबंधित चार पांच है। तो यहाँ डीएआर के किस नियम में क्वेश्चन कहता है कि नाम एवं प्रभावी होने की तिथि बताई गई है, तो नियम नंबर एक में नाम एवं प्रभावी होने की तिथि बताई गई है, लेकिन नियम नंबर दो रहता नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा से संबंधित है, नियम तीन जो है विस्तार क्षेत्र से है, नियम चार व पांच निलंबन से है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या है कि चेतावनी क्या है? दोस्तों चेतावनी क्या है, यदि माइनर चार्जशीट यानी एसएफ 11 स्टैंडर्ड फॉर्म 11 जारी किया जाता है और आपका विशेष दोष नहीं दिखता है तो क्षमा प्रार्थना इत्यादि के बाद अधिकारी जो है क्षमा कर देता है और वो आपको चेतावनी दे देता है। तो ऑप्शन का में चेतावनी एक लघु दंड है, खा में चेतावनी एक दीर्घ दंड है, गा में चेतावनी कोई दंड नहीं है, यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, घा में इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक में दोस्तों जब माफ कर दिया तो ये कोई दंड नहीं है, ये दोबारा न करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चेतावनी एक क्या है? दंड नहीं है, यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। सही आंसर गा नंबर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है, सेवा से हटाना यानी रिमूवल फ्रॉम सर्विस और बर्खास्त करना डिसमिस फ्रॉम सर्विस में क्या अंतर है? सेवा से हटाना और बर्खास्त करना में क्या अंतर है? दोस्तों सेवा से हटाना रिमूवल फ्रॉम सर्विस में रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी जो है बाद में अपने क्षमता पर अन्य केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के या रेल के सेवा में नियुक्त हो सकता है, परंतु जब बर्खास्त हो जाएगा डिसमिस फ्रॉम सर्विस तो वो कभी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या रेल के सेवा में जीवन में नियुक्त नहीं हो सकता है। इन दोनों में यही अंतर है कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस का मतलब भविष्य में सरकारी नौकरी करने के लिए वो योग्य है, और बर्खास्त यानी डिसमिस फ्रॉम सर्विस का मतलब कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने के लिए योग्य नहीं है, अयोग्य है। इसलिए इसका सही आंसर हुआ कानम, कि सेवा से हटाना यानी रिमूवल फ्रॉम सर्विस का मतलब है भविष्य में सरकारी नौकरी करने के लिए योग्य, और बर्खास्त का मतलब है भविष्य में सरकारी नौकरी करने के लिए योग्य नहीं, यानी अयोग्य। का नंबर सही आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न है दोस्तों कि निलंबन के लिए, निलंबन से बहाली हेतु कौन से मानक फार्म का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निलंबन से बहाली हेतु SF4 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का प्रयोग होता है। हालांकि ऑप्शन देखें हम लोग तो ऑप्शन में है दोस्तों SF1 क्या कहता है,
SF1 कहता है निलंबन, SF1 का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑन निलंबन है। खा नंबर ऑप्शन है SF2, SF2 क्या है, माना गया निलंबन। SF1 और 2 निलंबन से तात्पर्य है, SF1 मतलब निलंबन सीधा सस्पेंड और SF2 का मतलब है माना गया निलंबन। गा नंबर है SF3, SF3 में निर्वाह भत्ते की स्वीकृति, यदि कर्मचारी जब सस्पेंड रहता है तो वो अपने निर्वाह भत्ते की मांग करता है तो वो SF3 से करता है, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 से, ठीक। SF1 निलंबन, SF2 माना गया निलंबन, SF3 से निर्वाह भत्ते की स्वीकृति करने के लिए, और SF4 जो है निलंबन से बहाली। SF4 क्या है दोस्तों, निलंबन से बहाली, इसलिए सही आंसर है SF4। आज के इस वीडियो में इतना ही, ये DAR का भाग 1 था। इस तरह से इसमें कई भाग हैं, 5 भाग हैं लगभग, तो आगे के सभी भागों को देखने के लिए हमारे सीरीज में बने रहें, क्योंकि DAR रेल के सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे उनकी परीक्षाएं देनी हो या ना, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा देने वालों के लिए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण। और इस ढंग से समझाया हुआ चैनल उम्मीद करते हैं कि बहुत कम देखने को मिलता है।